और बैटरी पार्क में लाइक बैटरी होती है, बैटरी होती है, पार्क होता है। तो चेक करते हैं जी, स्ट्रॉबेरी मीठी है नहीं है। बिस्मिल्लाह। बैटरी पार्क, उसके बाद ये यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे और चेक करेंगे जो उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ हाथ में वो कितना बड़ा है। देखने के लिए विजिट करो ना, आपको ऐसे देखना पड़ता है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जब आते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता है। अच्छा, पूरी गर्दन ऊपर करना है ये। अच्छा जी, तो अपना हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? बैटरी पार्क। कौन से पार्क? बैटरी पार्क। बैटरी पार्क। और बैटरी पार्क में लाइक बैटरी होती है, बैटरी होती है, पार्क होता है। एंड आई हैव विद मी असम एंड राजा उमाद सईद। अच्छा, ये क्या है यार, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है। ट्रेन स्टेशन है सर, कि आप किधर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? 405। अच्छा, ऑडियंस है वो जानना चाहती है। अच्छा, तो ऑडियंस ऑडियंस आपको हम बता दें, हम न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं इस टाइम। ये एसन भाई न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे हैं, ये आज घूमने के लिए आए, इनको हम लेके जा रहे हैं बैटरी पार्क, उसके बाद ये यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे और चेक करेंगे जो उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ हाथ में वो कितना बड़ा है। So guys, right now I am at the battery park, and this time I'm going to visit Statue of Liberty. I started my the park tour from this area, and now we are walking towards this bikeway lane, and at the end we'll reach here. So it's amazing experience actually here. A lot of people are visiting, and we'll move forward. And I'll try to show you how's the experience. So if you guys are planning, then you can also follow my footsteps and try to achieve this amazing experience. Enormous goal. Yes. अच्छा, हाँ ये अच्छा, ये अपने इधर ये chairs वगैरह भी लगी हुई हैं, तो ये वैसे ही है, मतलब पार्क की तरफ से, ये नहीं है कि वो आवाम आके उठा के ले जाए। नहीं, में बेच दें। नहीं, हाँ? नहीं, अपना आपका दिल कर रहा है, मुझे लग रहा है आपका दिल कर रहा है कि आगे ले जाओ। मैं तो पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन अपना मैं ले जाते हाँ, टोपियाँ भी बिक रही है, लेकिन मतलब देखो ना यार, कि ये चीजें पड़ी हुई है माशाल्लाह से, जो कि दुबई में वैसे ही ऐसी चेयर्स नहीं होती वहाँ। ये तो है, ये पुराना न्यूयॉर्क सिटी का जो मैनहट्टन का आइलैंड है। ओह ओके, उसकी पुरानी वो पिक्चर है। ऑलराइट, पहले कैसे लगता था? ओके, वैसा था हिस्ट्री। हाँ, पूरी हिस्ट्री, ये जैसे आप इस पार्क की तरफ जाते जाओगे ना, पूरी हिस्ट्री आप उस सिटी की और इस पार्क की बताएंगे। तो हमारे साथ गाइड उमाद मौजूद है। हाँ, राजा उमाद सईद, पूरा नाम याद रखें, अगर न्यूयॉर्क आए तो मतलब जो है ना, तो यहाँ से आप टिकट लेते हो? ठीक है, ओके, ये वाला जो है एलिस आइलैंड, जो शुरू में जब अमेरिका बना था, जब यहाँ पे लोग माइग्रेट होने शुरू हुए थे, स्टेट जो बनी थी, ऑलराइट, कंट्री आई मीन, तो यहाँ पे लोग आके माइग्रेट करते थे, ये बेसिकली हब होता था इमिग्रेशन का। तो ये यहाँ से हम वो भी देख सकते हैं, तो एलिस आइलैंड पे लोग आते थे, वहाँ से उनको उनकी इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करते। तो ये एलिस आइलैंड यही है या एलिस आइलैंड यहाँ से थोड़ा सा दूर हो पानी में? ओके, वहाँ से लोग आते थे, वहाँ से लोग आते थे, वो बेसिकली पोर्ट था। ओके, और वहाँ पे जो है उनकी सारी इमिग्रेशन वगैरह होती थी, और उसके बाद वो फिर न्यू वर्ल्ड जो बेसिकली न्यूयॉर्क हो गया या परफेक्ट वहाँ पे आते थे। ठीक है, ठीक हो गया। अभी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफ़ी सारे व्यूज कंस्ट्रक्टेड भी हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं। और यहाँ से फिर आप टिकट यहाँ से लोगे, फिर यहाँ से आप डिपार्चर करते हो फेरी के ऊपर। ठीक हो गया, वो सामने आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओ वाओ, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा क्रेन के पीछे छुपा हुआ है, शर्मा रहा है। हाँ, शर्मा रहा है, आगे जाके अभी ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है।
कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं, लेकिन मौसम आज प्यारा है यहाँ पे और हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी है। यार ये ले 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 यार जो खट्टा ना हो। हाँ सही है, थैंक यू। सो हसाम जस्ट बॉट दिस वन नाउ एंड आई विल ट्राई, लेट्स सी इफ स्ट्रॉबेरीज आर स्वीट और नो। पकड़िए, मेरी तरह मीठी नहीं होगी लेकिन। तो चेक करते हैं जी, स्ट्रॉबेरी मीठी है नहीं है। बिस्मिल्लाह। इट्स गुड, अमेजिंग। तो यहाँ पे फाउंटेन भी लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, बैठने की जगह लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ मतलब कि यार आप चिल कर सकते हो, मतलब अपना हेडफोन्स और ये सारा कुछ, ये दो मोस्ट लाइकली 100% स्कैम है। ओके, आपको लगेगा कि सत्य है जैसे ये सामने लगे हुए हैं, खा सकते हैं। ये लेने से आप परहेज करें तो बेहतर है क्योंकि सारा फेक स्टफ है, मतलब कुछ भी 99% फेक होगा। हाँ। अगर कोई बंदा भाग के आ रहा है और आपको अंडर द प्राइस दे रहा है, हाँ, तो उसने अभी अभी फ्रेश चोरी की है तो उसे ले लें। हाँ, सही है। वो चल जाएगा। हाँ। लेकिन ये मोस्ट लाइक 99% फेक होता है, तो इसलिए अगर तो आपको फेक चाहिए तो ठीक है ले लो, अदरवाइज उससे जो है रोका जाए। कोरियन वॉर का मेमोरियल है, आ जाए। ओ यहाँ पे कोरियन वॉर में जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ लूज की थी, ओके, तो उनके नाम वगैरह हैं। ये बसीकल बना हुआ है। सो हियर वी हैव कोरियन वॉर मेमोरियल। अच्छा तो ये कोरिया की वॉर क्या यहाँ पे हुई थी या क्या सीन था? मतलब यार जो लोग कोरिया की वॉर में मरे थे उनका नाम। अच्छा अच्छा, जो गोरे मारे गए थे, मैं कह शायद कोरियंस कोरियंस को जो है कोरियन की मेमोरियल, ये क्यों नहीं है? तो उनका नाम, कौन से वो रेजिमेंट में थे, ओके, कौन से कॉर्प में थे, कौन से स्टेट से थे, ऑल राइट, सारा कुछ लिखा हुआ। मैंने पाकिस्तान में 1965 को मेमोरियल नहीं बना हुआ। हाँ ये है जी स्टैचू क्रूज, ये जाती है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी ले। ऑल राइट, तो जब आप उस पे जाते हो क्रूज पे तो यहाँ पे आपकी पहले स्क्रीनिंग होती है कि आपके पास कोई अच्छी चीज तो नहीं है। ओके, ऑल राइट, स्क्रीनिंग सेंटर बना हुआ है। Bro, go, he's calling you, bro. Go, go, bro, go. No, no, it's okay. Oh, yeah. Don't be scared, bro. It's showtime. Chal. Guys, it's a beautiful day for a beautiful show. Give our volunteers a round of applause. Now, make them feel welcome. Give it up for our volunteers. All right, now, this is good. But what's not good? Crowd control. Guys, can you get close to my friend to the orange cone? क्या अपना सामतू क्या बोल रहा था कि इसमें? सर मैं ये बता रहा था कि न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरोज हैं, जैसे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होते। ओके, तो एक बोरो है मैनहट्टन जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। सही है। बेसिकली यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो मूवीज में आपको दिखाते हैं, ये वो वाला न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा बोरो है वो है स्टेटन आइलैंड, जो आप देख सकते हैं यहाँ से लोग फेरीज पे जाते हैं स्टेटन आइलैंड, क्योंकि ये समुंदर की दूसरी साइड पर है। फिर एक बोरो है ब्रुकलिन, एक है क्वींस और एक है ब्रॉन्क्स। तो ये 5 बोरोस मिलके न्यूयॉर्क सिटी बनाते हैं। पूरा न्यूयॉर्क, पूरी न्यूयॉर्क सिटी जो है इससे बनता है। न्यूयॉर्क स्टेट तो बहुत बड़ा है। ओके, न्यूयॉर्क स्टेट अलग है। न्यूयॉर्क स्टेट तो जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से कनाडा शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो अपना नियाग्रा है वो भी न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है। ओके, और न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है और न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरोस हैं जो मूवीज में दिखाते हैं, वो मैनहट्टन है जहाँ पे हम लोग भी खड़े हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये समझो कि गेम के अंदर गेम हो गई है कि न्यूयॉर्क के स्टेट के अंदर एक न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये सिटी के 5। हाँ बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हसल और बसल चल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ब्यूटी है यहाँ पे, बिल्डिंग्स और वेदर भी, और अपना जो है ना बहुत इन्जॉयमेंट वाली जगह है।
तो गाइज आपने देखा सुना लाइक न्यूयॉर्क सिटी हैव फाइव बोरोस एंड वी आर सिटिंग हियर इन मैनहट्टन नियर टू स्टेटन आइलैंड फेरी पॉइंट एंड वी आर डिसाइडिंग आइदर वी आर गोइंग टू ईट आइसक्रीम और वी विल हेड टूवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड विल हैव फन देयर. सिटी बहुत बड़ा है यार. सिटी इट्सेल्फ बहुत बड़ा है. यस इट्स बिग ह्यूज है. बाकी न्यूयॉर्क स्टेट में तो अपस्टेट आता है वहाँ पे अलग सिस्टम है. अगर आप ड्राइव करें ना तो एटलीस्ट 8 घंटे आपको ड्राइव करने में लगेंगे न्यूयॉर्क स्टेट क्रॉस करने. ओके न्यूयॉर्क सिटी से कनाडा तक 8 घंटे की ड्राइव. ओके वहाँ जाके न्यूयॉर्क स्टेट खत्म. सो आप हैम्पटन से जाते हो एल्बनी तो फिर 1 घंटा और डाल दो. हैम्पटन ओपन है बंद है. So it takes around 8 hours to cover New York State and it's this much huge. लोगों को लगता है कि New York State का जो capital है वो New York City है जो कि ऐसा नहीं है. Oh really? Yeah. New York State का जो capital है वो Albany है. Albany. Albany. तो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूर है. Okay. New York City is like It's more famous, like Dubai, in UAE, like Dubai. Skyscrapers. Yeah, okay. Because most of the people come here to work. So guys, just you check out like how much fruitful information we are giving to you. So now, you charge for it, but if you follow and subscribe, this is free. You have to subscribe, you know. This is only for our subscribers, that you get to know this much information. And what's that? ये ऊपर ये ग्रीन ग्रीन ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो वाली. नहीं ये बेसिकली एक लैंडमार्क होगा. एक कोर्ट है. आई डोंट नो अभी चेक करते हैं. एक कोर्ट है यहाँ पे. कहावत है कि अगर आप किसी दुनिया में कहीं और जाते हैं स्काईस्क्रैपर्स देखने के लिए आपको ऐसे देखना पड़ता है. लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जब आते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता है. अच्छा पूरी गर्दन ऊपर करनी. हाँ ये तो है मतलब ना कि हर तरफ तकरीबन 100 साल पुरानी टावर्स ही टावर्स हैं एंड ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ये. प्लीज ओह वाओ ऑल राइट. सो इट्स रियली अमेजिंग. आप वॉक कर कर के मतलब इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं मैनहट्टन को. राइट जी मैनहट्टन को आप इजीली ट्रेन के ऊपर और अंडरग्राउंड ट्रेन भी है जिसको हम लोग कहते हैं सबवे. लेकिन ओवरली क्राउडेड होता है. अच्छा सबवे का मैंने सुना है कि काफ़ी वहाँ पे भी वही चल रहा होता है अपना स्मोकिंग वगैरह और फिर स्मेली भी काफ़ी. डिपेंड करते हैं कि आप कौन से एरिया में ले रहे हो. ओके क्रैपी नेबरहुड आप देख रहे हैं नीचे से जो जा रही है मोस्ट लाइकली ये ऑल राइट नीचे ट्रेन जा रही है. ओके अंडरग्राउंड ओके मतलब ये सबसे बड़ी का चक्कर ड्रोनी ड्रोनी यहाँ पे भी आपको ये नज़र आए ना कि अपना ब्राउन वाइट और ग्रीन सबवे. नहीं ये जो ये सबवे. ओके वो सामने देख रहे हो सामने भी सबवे है. ओके वहाँ से आप नीचे जाते हो ट्रेन पकड़ते हो. ऑलराइट ज़्यादातर अंडरग्राउंड है कुछ अबव ग्राउंड भी. तो ये अब आगे आगे वो बुल आएगा. ओके बुल इज कमिंग. बुल देखना है. बुल तो लाजिम देखना है. बुल खिंचवाना है. आपको 30-35 मिनट खड़ा होना पड़ेगा बुल को. हाँ पकड़ के जो है बुल को पकड़ के फोटो खींचनी होती है. तो फोटो खींचने में या लाइन में. अच्छा समझ लगा फोटो खींचने में. जाते हैं अभी चेक करते हैं क्या सिचुएशन है बुल की. वो लाइन खड़ी हो लाइन यार. वो किधर है लाइन. वो सामने खड़ी होगी लाइन लगी हुई. वॉल स्ट्रीट तो नहीं आ गए. वॉल स्ट्रीट. अच्छा ये वॉल स्ट्रीट है. जी सर. कौन सी वाली. राइट राइट. ओके गाइस नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉल स्ट्रीट. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट राइट. या वॉल स्ट्रीट पे लोकेटेड है. जैसा कि आप देख सकते हैं हम चल गए हैं वहाँ से. हाँ जहाँ से अपना क्या कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था ये वॉल स्ट्रीट आ गया. थोड़ा आगे जाएंगे. ओके तो हमारा वो आ जाएगा. ऑलराइट गाइस यहाँ पे गिरे थे. और यहाँ पे भी बिरयानी बिक रही है. इंडियन फूड बिरयानी बिरयानी हाउस
देसी फूड का कोई इशू नहीं है, देसी फूड हलाल फूड ऑप्शंस आर अवेलेबल, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आप न्यूयॉर्क आए तो डॉलर का पिज्जा खाए बगैर आप ना जाना। अच्छा यार वो अपना लेकिन हलाल होता है, हलाल भी मिल जाता है, चीज हलाल है, चीज लाइक मार्गरिटा आप कह लो। न्यूयॉर्क सिटी को आप ऐसे समझ ले जैसे पाकिस्तान में कराची, आप कराची जाएंगे पूरी। अच्छा, लोग आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। न्यूयॉर्क सिटी में आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। ओके ओके, बुल और ये जी बुल आ गया, वाशिंगटन सुपर है लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन बेसिकली ये बुल खड़ा है, हम साइड से जाके ले लेते ना फोटो। नहीं नहीं हम यही खड़े होके करवा लेंगे। सो ये जो है फेमस बुल है वॉल स्ट्रीट का, और लोग जो है आ रहे हैं और इसके नीचे झुक के पता नहीं क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे जाके कुछ कर रहे हैं, बट दैट्स इट गाइस, दैट्स द फन। सो गाइस अभी वॉल स्ट्रीट के पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे ये ट्रिनिटी चर्च भी है और आप देख सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब चर्च। ट्रिनिटी चर्च है और इसके साथ ट्रिनिटी सेमेटरी है। ऑल राइट, वाओ, बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली लैंडमार्क बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप तोड़ नहीं सकते। ओके, जैसे भी है अंदर से अगर डिपेंड करते हैं कि लैंडमार्क किस किस चीज़ के ऊपर है, अब जैसे ये विंडोज हैं, ये सारा कुछ है, तो आप इस बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते। ऑलराइट, कोई भी परमिशन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो जैसी है विंडोज वगैरह ऐसी ही आपको रखनी है। ये अंदर से आप थोड़ा बहुत कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लैंडमार्क आपको किस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है, आप इसे मोस्ट लाइक सेम थिंग फॉर दैट ट्रिनिटी चर्च। ऑलराइट, अब ये बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर इसको तोड़ के यहाँ पे एक बिल्डिंग बना, एग्जैक्टली वहाँ तक है, बट इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। ऑलराइट, सो राइट नाउ वी आर हियर एंड दिस वन इज वॉल स्ट्रीट स्टेशन, सबवे स्टेशन, एंड इट्स अमेजिंग। देखें आप जो भी ये टूर कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी का, तो इस चीज़ से आपको देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि जब 1912-11 में ये लोग क्या कर रहे थे और हमारे बड़े बुजुर्ग 1912-11 में क्या कर रहे थे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, देखिए आपको आइडिया होता है कि ये जो मुल्क है कितनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, क्यों है, एग्जैक्टली 100-150 साल आगे है। ऐसा ही है बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम अपने इतनी डेवलपमेंट इतना वो सब, वी आर मच वे बिहाइंड। ओह वाओ, ये ट्रिनिटी चर्च है जो अभी जिसकी बात कर रहे थे, ये बना था 1838-39 में। ऑलराइट, तो तब से लेके अब तक ये लैंडमार्क, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अच्छा जी, ये हम आ गए अभी वॉक कर कर के ओकुलस के पास। हाँ, ये और ओकुलस एक काफ़ी, इट लुक्स लाइक एन इनोवेटिव स्ट्रक्चर विद सम, जैसे कराची में 3 तलवार है, इनकी 20 तलवार है। ओह ओके, और इसमें कोई बैठा हुआ भी है, ये इन्होंने अभी ऐड किया, ये वॉल स्ट्रीट बुल के छोटा भाई। अच्छा, बीवी के साथ खाना, ये छोटा बुल बना दिया यहाँ पे और वो, ओह ओके, ये जो है ना बेसिकली ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया डैमेज हुआ था। All right, in that 9/11. तो ये फिर उन्होंने बेसिकली सारा डिमोलिश करके अगेन रीबिल्ड किया ये पूरे को। अब ये जो जहाँ पे पहले टावर थे दो, अब ये टावर इन्होंने हटा के, ये बेसिकली एक किस्म का फाउंटेन है। ओके, पिछली दफ़ा मैं आया था तो एक के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो उसमें पानी नहीं था, दूसरे में है। अच्छा, अभी जाके चेक, एक में पानी है और ये जो है ये ओकुलस है। ओके, और इसके अंदर बेसिकली एक किस्म का शॉपिंग मॉल है, ट्रेन स्टेशन है और खाने पीने की चीज़ें। ऑलराइट, और बाकी ये जो है वो ये 9/11 का मेमोरियल म्यूजियम। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कवर ओकुलस।
ये जी ओकुलस है, दिस वन इज ओकुलस, इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर एंड ऐसा लग रहा है जैसे विंग्स निकले हुए हैं बेसिकली, सिग्निफाई करते हैं जैसे ड्रैगन की बैक नहीं थी। हाँ, ये अगर पीछे से दूसरी साइड से देखेंगे ना जी, ड्रैगन की बैक तो पीछे से देख लें, फिर जाके फ्रीडम टावर है पीछे से देख लें, यहां से पीछे लेते हैं वो देख पीछे अच्छा है। ओह ओह, दैट वन इज फ्रीडम टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, तो जी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता था जिस पे अब ये फ्रीडम टावर बना हुआ। नहीं नहीं, करेक्शन करना चाहता हूँ आपकी। यस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे था वहाँ पे उन्होंने वो मेमोरियल बना दिया। मेमोरियल बना दिया। ओके, जो जगह बची थी थोड़ी बहुत, जो सारा डिमोलिश करके बनाया था वहाँ पे इन्होंने फिर ये साथ ही नियर बाय स्ट्रक्चर बना दिया। ऑलराइट, बट अभी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्लैश फ्रीडम टावर, फ्रीडम टावर। ऑलराइट, सो गाइस राइट नाउ आई एम हियर एट 9/11 memorial and you can see the names